अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हैं आज हम लोग ये यहाँ पर इस छोटे से कैबिन के अंदर कर क्या रही है। आज ये बहुत मतलब क्या खुद नहीं पता था हम लोग क्या कर रहे हैं। बस हम लोग ये मतलब मैं हम लोग पूरी स्टोरी बताती हूँ। लाइट थोड़ी सी वेल स्ट्रोक आने रुको तो मैं एक और फंक्शन करता हूँ। ठीक है यार दूसरा करो जो मैंने सिंपल किया, मैंने गैस को उतारना है। ओके सिंपल वाला। हाँ तो यह सोचेंगे चस कहाँ से कैसे क्यों आए कब आए, तो ये वो वाली पिक्चर्स है या हम लोगों ने की है ड्रॉ। और यह सोचें किसे कहते हम लोगों ने ये अपने प्रोजेक्टर से ये प्रोजेक्टर से सारी ड्राइंग की हुई है। ये डायनासोर है, ये भी डायनासोर है, दीवारों पे ड्रॉइंग कहाँ से करती। मीडियम से आप पूछ रहे हैं बहुत भी दिखाते सी वीडियो बनाते हैं, छोटी सी प्यारी सी वीडियो बना के दिखाते। और आपने अगर हमारे टिकटॉक अकाउंट फॉलो नहीं किया ना तो जाए जल्दी से हमारे टिकटॉक अकाउंट फॉलो करें। अब लोग इस घर की थोड़ी छोटी सी हुआ ये मैं जो थी ना मतलब कि मुझे पता ही नहीं था ये लोग क्या कर रहे थे। हाँ मरियम फॉरियम ना लगे हुए थे इस कैबिन के अंदर क्या कर रहे थे मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर ना क्या कर रहे थे तुम लोग, हाँ यहाँ पर सोफा बना रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, तो कभी तस्वीरें लगा रहे थे सही नहीं लग रही थी इनसे। फिर इन मुझसे कलेक्शन मांगने लग गए हमारी पिक्चर्स की। और आप सोचेंगे कौन सी पिक्चर, ये माय प्रोजेक्टर से हम लोगों ने पिक्चर्स ली। हमने अभी माय वीडियो देख ली है तो अब हमने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा घर का टूर दे दे। ये मतलब कि बीएस टूर है, बीएस हाउस टूर समझ ले, मिनी हाउस टूर समझ ले, जो आप टूर समझना चाहिए समझ ले। बस हम भी आपको थोड़ा सा टूर देना चाहते हैं, दिखाते हैं। ड्रैगन की पिक्चर लगाई और ये सब कुछ हमने बनाया है एक प्रोजेक्टर से। और आप सोचेंगे वो कौन सा प्रोजेक्टर है, कौन सा प्रोजेक्टर है, तो वो जो प्रोजेक्टर है ना आपको वो वीडियो में मिलेगा। आप जाए हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर आप लोग ये हमारी न्यू वीडियो अभी ही डली है, देखे बहुत मज़ेदार है प्रोजेक्टर वाली वीडियो। उसके अलावा हम लोगों ने और भी बहुत कुछ किया है, जाए देखें किस तरह से ड्राइंग होती है, किस तरह से ये बनी है चीज़ें, जाए और आप पता भी करें किस तरह से ये हम लोगों ने बनाया है। वो बातें छोड़े वो आप देख लेंगे तो हम पहले आपको ये दिखाएं।
ये रिहाने बनाया है, ये सोफा बनाया है, ये दो टेडीज है जो कि ये यहाँ पर बैठेंगे। आप सोचेंगे इतने प्यारे प्यारे दीवार से मैंने आपको बता दी कहाँ पर है, या जाके फिर वीडियो देखे पता चल जाएगा आपको। ये देखे, ये है हम लोगों ने टीवी बनाई है, ये उसके साथ स्पीकर रखे हैं, और ये कुछ डेकोरेशन एंड पे ब्लॉक्स बचे हैं, हमने कुछ डेकोरेशन के लिए बना दिया। ये वीडियो बनाना सॉरी हम भूल गए, तो मैंने अचानक याद आया कि तो हम वीडियो भी बना ले, तो बस हम लोग आपको छोटा सा टूर दे रहे। हेलो गाइस, प्यारा प्यारा बकरा हमारा, तो घर आपको वैसे भी अच्छा ही लगा होगा, मैंने आपको टूर तो दे दिया। तो ये उसकी फुल लुक ये दो टेडीज के लिए सिलाना, पहले ये लोग चार कह रहे थे, पता नहीं मैंने हम लोगों ने कितने फर्नीचर ये तोड़े, मतलब दो लंबे लंबे बेड बनाए थे, एक इधर रखा था एक इधर रखा था, यहाँ पर एंट्रेंस लिखी थी वहाँ पर हम लोगों ने कुछ लगाया था, और पता नहीं और क्या, और इन वॉल्स को सेट करने में बड़ा टाइम लगा, पहले टेप हमने उतारी, फिर उसे फोल्ड किया, उसके नीचे लगाया, फिर ऊपर चिपकाया, फिर सेटिंग की कौन सी दीवार कैसी लगे, कौन सी दीवार कैसे। ये आइडिया मरियम का था कि हम ना यहाँ पे ना कुछ करते हैं, तो फिर बाकी आइडिया हमारे सरदार का था। थैंक यू सरदार, आपने हमें इतना अच्छा आइडिया दिया, हमारा इतना अच्छा गया। उस पर नीचे थोड़े पहले हमने लंबे लंबे लगे थे, तो हमने उन्होंने आपको बताया पहले कि हम लोग किस तरह से किया था, तो उसके बाद क्या हुआ, वो हम लोगों ने तोड़े, उसके बाद हम लोगों ने एक बड़ा बेड बनाया, ठीक है, वो भी हम लोगों ने तोड़ा, तो फिर जाके ये आइडिया को कई ने ऐसा कर दे, ये सोफा बनाया था, इन्हें जमीन भी सला लेंगे। मैंने कहा चल मान ली तेरी बात, मैंने दो लंबे लंबे बेड बनाए थे, तो ब्लॉक्स खत्म हो गए थे, सजावट अच्छी नहीं लग रही थी, बहुत अच्छा बना था, ठीक है, सारी चीजें बहुत परफेक्ट थी, तो बाद में ना वो इस जगह पे ना खाली था, तो मैंने सोचा बैठ हम इधर कर देते हैं, जब हमने किए तब हमारा प्लान ही बदल गया, हमने फर्नीचर सारा तोड़ा, फिर हमने बनाया, फिर अजीब सा था, दो बेड हमने इकट्ठे जोड़ दिए, वो भी हमने तोड़ दिया, फिर हमने जाके ये आखिर में फाइनल किया। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बस आने का नहीं, बस फाइनल, बस हमें ना जब ये खाली था ना तब हमें इतना प्यारा लग रहा था ना, क्योंकि देखे यहाँ पे दीवार इतनी प्यारी, वो दीवार इतनी प्यारी, ये दीवार इतनी प्यारी, हमने सोचा पहले ना हमने पूरे पांच टैडी के लिए सोचा, ठीक है, हमने ना इधर पांच के पांच सुला दिए, फिर हमने कहा दो ना हम लोग बेड पे सुला देते हैं इन दोनों को, ठीक है, फिर हमने उनके लिए बेड बनाए, पीछे से हमारा सारा प्लान बदल गया, बदला टूटा टूटा, फिर हेड बना के एक पर अटका, वो यार ये देख, बना बदला, फिर एंड पर एक टिका, ये हुआ, तो वो रिहान ने मुझे आइडिया नहीं दिया, मैं व्लॉग शुरू कर देती, हम लोग बताते कि हम लोग कैसे खाली कराए, कौन कौन से तमाशे किए, हर चीज के लिए हम लोग बहुत तमाशे किए थे। अब अंदरूनी कहानी समझे, बस ये अब हमें मिला है, नहीं मुझे भी नहीं आ गया था, रेहान को भी नहीं था, मरिए बेचारे लगी हुई थी, रेहान है, उसके बाद मैं आ गई, मैंने कहा चलो मैं थोड़ा छोटा सा, बस ये मेरा छोटा सा, ये समझ ले छोटा सा क्या कह सकते, आइडिया था बस इनके लिए। ये देखिए मरिए मंदिर चली गई, लोग जब भी बनाएंगे ना कोई भी मतलब कि अब हम लोग ना कोशिश करेंगे इसे ना थोड़ा सा और यार तस्वीर के लिए और डेकोरेशन और चाहिए मेरे यार, नहीं हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने। हाँ जी, इसे मतलब हम लोग मतलब खाली कराया पहले, मतलब कि शीट इस टाइम अवेलेबल नहीं थी, मैं पसंद है ना रियान, इस टाइम शीट अवेलेबल नहीं थी, थी मैं बस पड़ी, बहुत ज्यादा पड़ी थी उस टाइम पे, मतलब वो सारी चिपक के दे, लेकिन हमें ना मिल नहीं रही थी, हम लोगों ने कहा मम्मा ने कहा थोड़ी दिल के तुम लोग को ये कैमरा मिला बार में दोबारा से जो जैसे थे वैसे ही रख लेना, तो वो हम रख लेंगे, तो लाए मतलब पापा अपने लिए लेकर आए थे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर
ऐसा चिपका के लगा तो का थोड़ा सा रोशनी तो होना चाहिए ना कमरे के अंदर, अंधेरे वाला कमरा तो किसी का होता ही नहीं है। तो बस हमने छोटा सा ये तजुर्बा ट्राई किया, तो जब भी हम इसे अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से बनाएंगे उसकी वीडियो हम जरूर डालेंगे। छोटा सा रूम टूर समझ ले या फिर एक रूम टूर समझ ले या पिक्चर्स रूम समझ ले या फिर जो भी करो छोड़ो सारे वो समझ बस भी करो बस भी करो। लेकिन अब आपको यही कहेंगे ये बना है मिनी हाउस टूर, मिनी हाउस टूर समझ ले बस। अब वो लंबी लाइन तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूला, सब्सक्राइब करने बाजो जो बेल आइकन का जो बटन है वो आपने बिल्कुल भी नहीं भूला। और इशारा करते हैं कल तक के अलावा यार यहाँ तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और अगर आपको जानना है कि हमने पिक्चर्स कैसे बनाई कैसे बनाई किस तरह से बनी तो वो प्रोजेक्ट वाली वीडियो जाए हमारे और देखे हम लोगों ने प्रोजेक्ट वाली वीडियो हमारी देखे उससे आप सबको हमारी पता चल जाएगा कि नहीं करनी लाइक नहीं करनी लाइक हो लाइक करें शेयर करें प्रोजेक्टर में। मैं आपको बता दूं छोटी सी बता देते मम्मी क्या हुआ था लेकिन उसके बाद ये पता चलेगा कि ये मैंने ये आप लोग सोचे गई ये मैंने किया मेरी लाइक ने मेरी है सबको मेरा। तो ये हम आप लोगों को पता चल जाएगा प्रोजेक्टर वाली वीडियो में कि किस सा प्रोजेक्टर यूज करते हैं कौन सा प्रोजेक्टर है कैसा है आप सबको सब पता चलेगा। और ये भी पता ये पता चलेगा ये अब इसमें से इतनी प्यारी इतनी अच्छी पिक्चर कैसे बना सकते हैं कैसे कलरिंग वगैरह सब कुछ आप लोगों को आगे क्वेश्चन के सवाल मिल जाएंगे इस वीडियो में। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन और है तो हमें कमेंट किया करें हम आपके क्वेश्चन के जवाब लाजमी देंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक अल्लाह हाफिज़ आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।